हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारी फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, रेगुलेटर के बारे में हम इस वीडियो बना रहे हैं और इसको ध्यान से देखना। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ कर ले, ताकि ऐसी वीडियो इलेक्ट्रिक संबंधी आपको मिलती रहेगी। तो अभी पहला तरीका, दो तरीका बताऊँगा, ठीक है ना। पंखे के रेगुलेटर को कैसे चेक करें वो भी इस वीडियो में हम बताएँगे। और दूसरा तरीका है हमारा ये, पंखे के कैपेसिटर को कैसे चेक करें, ठीक है ना। इसको कैसे चेक करते हैं, कैसे लगाते हैं, वो भी इस वीडियो के अंदर है। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो के अंदर और आपको दिखाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि पंखे के रेगुलेटर को कैसे चेक करते हैं। तो सबसे आसान तरीका है, एक इस तरीके का होल्डर लेना है, ठीक है, जिसका ये वैसा वायर होना चाहिए। इस होल्डर के अंदर हम लगाएंगे कांच वाला बल्ब, ठीक है ना। एलईडी वाला बल्ब नहीं लगाना, वाइट कलर वाला, ये इस तरीके का कांच वाला बल्ब लगाना है, ठीक है। इसको ऐसे लगा लेना है। उसके बाद में दोस्तों, एक रेगुलेटर का एक वायर इसी के अंदर जोड़ लेना है। कौन सा भी जोड़ो, इस तरीके से जोड़ लेना, ठीक है। ऐसे जोड़ने के बाद में, जैसे कि हमने इस वायर को जोड़ लिया है, तो दोस्तों जोड़नी है, जोड़ टेपिंग कर लेनी है, ठीक है। इस तरीके से वायर को जोड़ना है, ठीक है। ये वाला होल्डर है जिसके अंदर थोड़ी सी वायर का टुकड़ा लगा रखा है। और अब इस तरीके से रहा कनेक्शन हमारा, ठीक है। अब ये पंखे का रेगुलेटर इस तरीके से इसको एक वायर के अंदर जोड़ना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने ही घर पर या इस तरीके का कोई लाइट का बोर्ड हो, इसके अंदर लगाना है, ठीक है। अभी रेगुलेटर का वायर तो लगेगा एक इसके अंदर, हमने इसके अंदर यहाँ पर लगा दिया। दूसरा वायर लगेगा इसके अंदर, ठीक है, ये इसके अंदर हमने लगा लिया। अब इससे हम इसको पता कर सकते हैं पंखे का रेगुलेटर सही है या ख़राब, ठीक है ना। ये बल्ब क्या है, ये 100 वाट का बल्ब है, ये डिम चल रहे हैं अभी, क्योंकि इससे वोल्टेज सारा नहीं मिल पा रहा है। अब ये पंखा का रेगुलेटर सही है या ख़राब है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे अब हम इस पंखे को घुमाएंगे, रेगुलेटर को घुमाएंगे, अगर ये सही होगा तो बल्ब भी पंखे की तरह कम ज़्यादा चलेगा, ठीक है ना, कम रोशनी देगा। फर्स्ट पर चलाना है, ये चल रहे हैं, ये सेकंड, थर्ड, ठीक है ना, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 के ऊपर बंद हो रहा है। दोस्तों, ये पंखे का कैपेसिटर है, आप देख सकते हो, ये नया वाला ही है। कैपेसिटर को चेक कैसे करें इस वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है ना। काफ़ी पंखों के अंदर पंखा धीरे चलने लग जाता है, सल्लो चलता है, हवा तेज़ नहीं देता है, स्पीड नहीं होती उसकी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पंखे के सेल को खोलना है, और इस तरीके से सेल को खोलने के बाद में बोर्ड के अंदर इस तरीके से इसको कुछ सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड के लिए इसको चार्ज करना है। चार्ज करने के बाद में आपस में दोनों वायर को शॉर्ट करना है, ठीक है। अगर इस तरीके से बहुत तेज़ आवाज़ करेगा ना ये, इस तरीके से, तो ये पंखे का कैपेसिटर सही है। और इस तरीके से चार्ज करने के बाद में भी आपको इस तरीके से स्पार्किंग नहीं हो रही है, तो हल्की सी हो रही है, तो ख़राब है गाइस, ठीक है ना। इस तरीके से स्पार्किंग होनी चाहिए, तेज़ होनी चाहिए, इस तरीके पटाखे की आवाज़ आनी चाहिए इस तरीके से, ये। तो दोस्तों, ये कैपेसिटर को इस तरीके से चेक करते हैं। और पंखे की स्पीड कम है तो इसको बदल दीजिए, हाई स्पीड पंखा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाएंगे।